नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टूथब्रश से चुटकियों में पाएं चेहरे पर नेचुरल ग्लो। जी हां दोस्तों, ध्यान से एक बार और हम बताते हैं आप सभी को, टूथब्रश से चुटकियों में पाएं चेहरे पर नेचुरल ग्लो, आज का हमारा ये टॉपिक है दोस्तों। चेहरे पर निखार और ग्लो, तनाव, चिंता, अनियमित खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी के चलते आजकल चेहरे की चमक और ग्लो मानो कहीं खो सी गई है दोस्तों। हालांकि शरीर के अन्य अंगों की तुलना में हर व्यक्ति अपने चेहरे की ज़्यादा देखभाल करता है ताकि उसका चेहरा साफ और सुंदर दिखे। बावजूद इसके हमारे चेहरे पर ना तो चमक दिखती है और ना ही रौनक रहती है। बेदाग, खूबसूरत और चमकता चेहरा हर किसी की पसंद होती है दोस्तों। किसी को भी अपने चेहरे पर झाइयाँ, दाग, धब्बे या किसी भी प्रकार के अनचाहे निशान अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता है दोस्तों। आज हम आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल टिप्स बताने जा रहे हैं जिनके द्वारा आप इन परेशानियों से निजात पा सकेंगे। क्या आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि टूथब्रश आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो और निखार लाता है? हम सभी टूथब्रश का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। जब दांत साफ करने वाला हमारा ये ब्रश पुराना या ख़राब हो जाता है तो हम ज्वेलरी चमकाने या साफ करने के लिए इसे इस्तेमाल में लाते हैं दोस्तों। इसके बाद भी जब ब्रश एक्सपायर हो जाता है तो ये और भी कई घरेलू कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इन सबसे इतर टूथब्रश का एक और चौंकाने वाला फायदा है दोस्तों। जी हाँ, टूथब्रश के कुछ खास तरह के इस्तेमाल से आप निखरता हुआ चेहरा पा सकते हैं दोस्तों। टूथब्रश से चेहरे पर चमक पाने के लिए सबसे पहले एक नया और मुलायम ब्रश लीजिए। अब गुनगुने पानी से इस ब्रश को अच्छी तरह धो लें, क्योंकि कई बार नए ब्रश में भी हल्की गंदगी रहती है दोस्तों। अब अपने चेहरे और गर्दन को किसी फेस वॉश से गुनगुने पानी के साथ अच्छी तरह साफ कर लें। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपके चेहरे और गर्दन की सारी गंदगी निकल जाए। अब अपने चेहरे और गर्दन पर स्क्रब लगाएं और ब्रश से हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में रब करें दोस्तों। ध्यान रहे कि ब्रश का चेहरे पर इस्तेमाल आपको बहुत हल्के हाथों से करना है, नहीं तो चेहरे पर लाल चकते पड़ सकते हैं दोस्तों। यह प्रक्रिया आपको करीब 2 मिनट तक करनी है दोस्तों। अब चेहरे को ठंडे पानी से धो लें और चेहरे को किसी सूती कपड़े या तौलिए से पोंछ लें। अपने चेहरे पर कोई मॉइस्चराइजर लगा लें दोस्तों। हफ्ते में 1 या फिर 2 बार ऐसा करने से आपको चेहरे और गर्दन की डेड सेल्स से छुटकारा मिलता है और आपका चेहरा गुलाब की तरह चमकता है दोस्तों। तो क्या क्या होता है कि स्किन पे हमारे डेड सेल्स जो होते हैं वो इस ब्रश की रगड़ से, और बहुत हल्के हाथ से आपको करना है रगड़, इससे क्या होता है हमारे जो पोर्स होते हैं वो भी खुल जाते हैं, तो स्वेट, पसीना भी इजीली आता है, जो डस्ट होती है, गंदगी होती है बाहर की, हम लोग घूमते हैं तो वो भी निकल जाता है इससे। इस वजह से हमारे चेहरे पर कांति रहती है दोस्तों, खूबसूरत दिखता है हमारा चेहरा। तो ठीक इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, बेहतरीन जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।